निजामुद्दीन मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उच्च स्तरीय बैठक, सरकार के सभी मंत्रियों और आला अधिकारियों के अलावा दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहे। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि 5 लोग से ज्यादा इकट्ठा होने की इजाजत न होने के बावजूद निजामुद्दीन में लोग इकट्ठा थे। उपराज्यपाल को इसकी सूचना दी गई है और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। दिल्ली में निजामुद्दीन में लॉकडाउन के बाद भी तबलीगी जमात के कार्यक्रम पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने उठाए सवाल। देश में जानबूझकर कोरोना को फैलाने की साजिश का लगाया आरोप, सरकार से की जांच की मांग। निजामुद्दीन इलाके से बसों से लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल पहुंचे लोगों का हुआ चेकअप, इनमें से अधिकतर लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, सभी का इलाज शुरू किया गया। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में इस्लामी संगठन तबलीगी जमात ने मजहबी कार्यक्रम किया था, लॉकडाउन के बावजूद आयोजकों ने किसी तरह की मंजूरी नहीं ली थी। स्पेशल कलेक्टर की टीम ने उन लोगों की पहचान की जो दिल्ली से तेलंगाना आए, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बाकी लोगों को खुद आगे आने की अपील, तेलंगाना सरकार कराएगी इलाज। मेरठ आगरा का दौरा रद्द करके सीधे लखनऊ पहुंचे मुख्यमंत्री, 5 कालिदास मार्ग स्थित आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक की, हजरत निजामुद्दीन के मामले पर भी बैठक में हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कहा गया है कि 157 लोगों को ट्रेस किया गया है जो कि निजामुद्दीन के तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। तबलीगी जमात में शामिल यूपी के 157 लोगों की तलाश जारी, 18 जिलों में फैल गए हैं लोग, सामने नहीं आए तो बड़े पैमाने पर फैल सकता है कोरोना। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का निजामुद्दीन मामले पर बयान, कहा कुछ कट्टरपंथी मुसलमान लॉकडाउन को विफल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, इनके खिलाफ दर्ज होने चाहिए मुकदमे, आतंकियों के लिए सुसाइड बॉम्बर तैयार करती है ये जमात। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महरी का बयान, निजामुद्दीन का वाकया अफसोसजनक, जांच कर तय की जाए जिम्मेदारी, मरकज में शामिल लोग खुद प्रशासन के सामने आए और कोरोना फैलने से रोकने में करें मदद। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का बयान, लॉकडाउन का पालन करें लोग, कोरोना के लिए कैरियर नहीं बैरियर बने। यूपी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 96 हुई, 38 मामलों के साथ गौतम बुद्ध नगर जिला टॉप पर पहुंचा। गुजरात में कोरोना के 72 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले, इनमें से 6 कोरोना पीड़ित की मौत, सबसे ज्यादा 24 कोरोना के मरीज अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोगों को लॉकडाउन के बीच योग निद्रा करने का सुझाव, लिखा मैं खुद रोज योग निद्रा हफ्ते में 1 या 2 बार करता हूं, इससे दिमाग रहता है तरोताजा, अंग्रेजी और हिंदी में वीडियो किया शेयर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने किया कोरोना टेस्ट किट बनाने का दावा, 1 घंटे में मिलेगी रिपोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स की प्रोफेसर गीता राय ने अपने शोध छात्राओं की मदद से बनाया। गौतम बुद्ध नगर में नए जिलाधिकारी ने कार्यभार संभालते ही सीज फायर कंपनी को सील करने का आदेश दिया, सेक्टर 135 में मौजूद कंपनी पर कोरोना मामले में लापरवाही बरतने के आरोप लगे। एक परिवार के लोगों में कोरोना संक्रमण से स्वास्थ्य विभाग में खलबली, सतर्कता बढ़ाई गई, नोएडा के सीज फायर नाम के अग्निशमन उपकरण बनाने वाली कंपनी में युवक करता है काम। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कोरोना के 10 संदिग्ध मिलने से हड़कंप, सभी संदिग्धों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, दूसरे राज्यों से आए थे सभी 10 संदिग्ध, सभी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। मरीजों को प्रशासन ने सेल्फ क्वारंटाइन का दिया आदेश। जम्मू कश्मीर में कोरोना पॉजिटिव के 6 और नए केस आए सामने, कश्मीर में कोरोना पीड़ितों की संख्या हुई 43 तो जम्मू में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 12। आंध्र प्रदेश में कोरोना के अब तक 17 नए मामले सामने आए हैं, ये लोग उनसे ही संबंधित हैं जो दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल हुए थे, राज्य में कुल संख्या 40 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों की संख्या 225 पार कर गई है, मुंबई में 4 नए केस सामने आए हैं। केरल में कोरोना वायरस की वजह से दूसरी मौत, राजधानी तिरुवनंतपुरम में 68 वर्षीय मरीज ने तोड़ा दम। कोरोना महामारी ने लोगों को पूरी तरह से डराया, बेंगलुरु में जरा सी सर्दी खांसी पर डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं लोग, कोरोना के मरीजों को देखने में डॉक्टरों को हो रही है दिक्कत। बिहार के गोपालगंज में मिला कोरोना का मरीज, दुबई से लौटे युवक को किया गया पीएमसीएच रेफर, पूरे गांव को किया गया आइसोलेट, अब तक 15 से ज्यादा पॉजिटिव केस की हो चुकी है पुष्टि। कोरोना वायरस
के रोकथाम के लिए बिहार सरकार गंभीर। राज्य की सभी सीमाएं आज से सील, आपातकालीन सेवा को छोड़कर किसी की एंट्री नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की जमशेदपुर पुलिस की तारीफ, सोशल मीडिया पर लिखा, देश में सबसे उम्दा काम कर रही है लोह नगरी की पुलिस। झारखंड के रांची में उड़ाई जा रही लॉकडाउन की धज्जियां, लालपुर सब्जी मंडी में हैरान करने वाली तस्वीर कैमरे में कैद, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा ख्याल। कर्नाटक के मैंगलोर में दोपहर 3 बजे तक लॉकडाउन से राहत दी गई है और ऐसे में लोग अपना जरूरी सामान खरीद रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने घरों में क्वारंटाइन कर रहे लोगों पर नजर रखने के लिए लॉन्च किया ऐप। होम क्वारंटाइन कर रहे लोगों को इस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए कहा गया। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख का ऐलान, आने वाले अप्रैल को लोगों को अप्रैल फूल बनाने के लिए अगर किसी तरह की अफवाह फैलाई गई तो उनके खिलाफ साइबर क्राइम के तहत दर्ज होगा केस। छत्तीसगढ़ में मिला कोरोना का 8वां पॉजिटिव मरीज, विदेश से कोरबा लौटे युवक की रिपोर्ट में हुई पुष्टि, लंदन से आने वाले 4 मरीजों में मिला कोरोना वायरस। कोरोना के खिलाफ जंग में मिसाल बनी विदिशा की बुजुर्ग सुलभा उस्कर, पेंशन से मुख्यमंत्री राहत कोष में दी 1 लाख रुपए की राशि, लॉकडाउन के बीच नोडल अधिकारी को घर बुलाकर दिया चेक, कलेक्टर ने ट्वीट कर लिखा दरिया दिल अम्मा। लॉकडाउन का असर उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में भी साफ दिख रहा है, ग्रामीण इलाकों में भी लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, चाहे बुजुर्ग हों या फिर छोटे बच्चे, सभी अपने ही घरों में कैद हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में मिठाइयों की दुकान खोलने की दी इजाजत, मगर मिठाइयों के लिए जरूरी छीने और दूसरी चीजें लालगोला, मुर्शिदाबाद, बशीरहाट जैसे दूर दराज वाले इलाकों से लॉकडाउन के कारण नहीं आ पा रही हैं, लोग नहीं कर पा रहे हैं मुंह मीठा। राजस्थान के डिंडवाना में नहीं हो रहा एडवाइजरी का पालन, शहर से बाहर जाने के लिए पास बनवाने के सरकारी दफ्तर में लगी भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे निर्देशों का नहीं हो रहा पालन। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ड्रोन से रखी जा रही है लॉकडाउन पर नजर, जिला मुख्यालय पर प्रयोग के लिए की गई शुरुआत, उल्लंघन करने वालों पर होगी पैनी नजर। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में भारत नेपाल की सोनाली सीमा पर अफरा तफरी, सैकड़ों नेपाली नागरिक अपने देश जाने की कोशिश में, नेपाल पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 14 दिन की क्वारंटाइन के लिए तैयार होने के बावजूद नेपाल नहीं दे रहा आने की परमिशन, धरने पर बैठे। कोरोना के चलते बुलंदशहर में 137 कैदियों को 8 हफ्ते के लिए जमानत पर किया गया रिहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 7 साल से कम सजा वाले कैदियों को राहत। दिल्ली सरकार ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को क्वारंटाइन सेंटर के रूप में बदलने का दिया आदेश, सरकार के आदेश के बाद एजेंसियां स्टेडियम को अस्पताल बनाने में जुटी। दिल्ली में 8वीं तक के बच्चे राइट टू एजुकेशन के तहत खुद ही अगली क्लास में कर दिए जाएंगे प्रमोट, SMS और IVR के जरिए हर रोज भेज जाएगी एक एक्टिविटी, घर के लोगों की मदद से करना होगा हल, दिल्ली सरकार का फैसला। कहा था कि आप उनको